हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, हमने देखा था राउल्ट्स लॉ फॉर ओलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। अभी हम बात कर रहे थे कि व्हेन टू ओलेटाइल कंपोनेंट की हमने बात कर ली थी कि दो ओलेटाइल कंपोनेंट हो गए तो क्या होगा। हाँ, और एक बात, उसके लिए मैं एक ग्राफ निकालना भूल गई थी। एक ग्राफ हमने नहीं निकाला था वहां पे, वो ग्राफ निकालना भूल गई थी। ठीक है, तो उस ग्राफ को हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, शुरू। तो लास्ट टाइम एक नॉन ओलेटाइल के लिए हमने ग्राफ निकालना था, शायद हमने वो ग्राफ नहीं लिया था। तो आज एक ग्राफ कंप्लीट करेंगे। पहले आज एक ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे से एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, और दोनों कैसे बेटा ओलेटाइल है। एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, और दोनों कैसे ओलेटाइल है। अभी ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए होगा। ए का पार्शियल प्रेशर पी नॉट है। बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी होगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही तो बात कर रहे थे। पीबी क्या होता है, पीबी आप लोगों ने पढ़ा कि P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या ये चीज सही याद है आपको, दो ओलेटाइल कंपोनेंट है, वहां पे प्योर कंपोनेंट A का प्रेशर, प्योर कंपोनेंट B का प्रेशर, और यहाँ पे राउल्ट्स लॉ भी अप्लाई किया था। अभी यहाँ पे एक ग्राफ निकालना है। देखो ग्राफ किस तरह से निकाल रहे, यहाँ पे ग्राफ लेते हैं। ये राउल्ट्स लॉ को, ये ग्राफ आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए लेना जरूरी है। यहाँ पे ये हो गया। अभी x एक्सिस पे हमने ले लिया कंपोजिशन, यहाँ पे हमने ले लिया कंपोजिशन, जो भी सॉल्वेंट या जो भी सॉल्यूट ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लेंगे y पे पार्शियल प्रेशर। y पे हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। अभी दो a और b कंपोनेंट है, हम निकाल किसके लिए, a और b कंपोनेंट के लिए हम ग्राफ निकाल रहे हैं। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, किसके लिए निकाल रहे, ए और बी कंपोनेंट के निकाल रहे। और दोनों कैसे है, दोनों ओलेटाइल कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट कैसे ओलेटाइल कंपोनेंट है। यहां पे जो कंपोजिशन है वो है प्योर ए रखा हुआ, यहां पे क्या रखा, ये होगा प्योर बी के लिए। हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, ए और बी, तो यहां पे प्योर ए और यहां पे क्या हो गया, प्योर बी हो गया। अभी प्योर ए है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, वन हो गया। प्योर ए है, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, पूरा का पूरा होगा ना, वन होगा। मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, जीरो। क्या ये बात मानते हो, ये पूरा का पूरा ए है, तो पूरे के पूरे किसके मोल हो गए, ए के मोल हो गए। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ही नहीं ना। जैसे जैसे हम इसमें ओलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो प्योर बी के लिए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, वन होगा। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो तो प्योर बी है। क्या ये बात समझ में आ रही है, प्योर बी है। अभी यहाँ पे प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है, यहाँ पे पी नॉट ए रहेगा। प्योर बी है उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी है, पार्शियल प्रेशर ना। यहाँ पे इसका प्रेशर ये हो गया, बी का प्रेशर ये हो गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ग्राफ कैसे आएगा। प्योर ए का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्राफ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, राउल्ट्स लॉ होगा ना, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और मैंने यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एक दूसरे को कनेक्ट कर दो, ये कितना आएगा, ये टोटल प्रेशर होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा। टोटल प्रेशर मतलब क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या ये हमने चीज से पढ़ी थी, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अभी यहाँ पे ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना, बी रहेगा। ये ग्राफ किसके लिए होगा, पी बी के लिए।
ये ग्राफ किसके लिए आ रहा है? पी नॉट ए के लिए. तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा. तो इस तरह से ग्राफ हमें एक याद रखना है. पी ए और पी बी इसके लिए टोटल प्रेशर रहेगा, और टोटल प्रेशर मतलब क्या हो रहा है, पी टी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. तो ये ग्राफ हमें याद रखना है, क्योंकि आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन. तो उसके लिए ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चल कंपोजिशन वर्सेस पार्शियल प्रेशर. ओके स्क्रीन इज ब्लर. आदर्श आदित्य स्क्रीन ब्लर हो रही है? स्क्रीन क्लियर है ना? कोई नेट प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सबको? नहीं साहिल, यस मतलब क्या, स्क्रीन ब्लर हो रही है उसके लिए यस बोल रहे हो कि स्क्रीन क्लियर है इसके लिए यस बोल रहे हो? कंफ्यूजन है मुझे भी. ओके क्लियर है साक्षी, क्लियर है. चलो आगे बढ़े, रफ कर दू. साक्षी बेटा क्लियर है बोल रहे, सब क्लियर है. अभी लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया ये ग्राफ, एक बच्चा था हमारा जो छूट गया था मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं बोल रही हूँ. चल तो बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बात कर ली थी हमने, बट स्टिल एक रिवाइज कर लेते. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, किसकी बात कर रहे थे हम यहां पे, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये शायद आपके पास होगा, ये थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यही से फील आएगा, बीच में लूंगे तो मजा नहीं आएगा. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, थोड़ा सा पीछे. ओके ठीक है. अभी तो आपको मैंने कहा था कि भाई सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. अभी जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा. यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, और नॉन वोलेटाइल जनरली हम क्या लेते हैं, सॉलिड को लेते हैं जो इजिली वेपराइज नहीं होता, नॉन वोलेटाइल. एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मैंने, एग्जाम्पल कहा था यूरिया है, या तो ग्लूकोज ले लो या तो सुक्रोज ले लो, कोई भी एक सॉलिड ले लो. सॉल्वेंट की बात करो तो सॉल्वेंट यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड होगा जो इजिली वेपराइज हो रहा है. यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड होगा, कोई भी ले लो, वाटर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, टोलिन है, व्हाटएवर जो भी लेना है. फिर हमने कहा था कि एक कंटेनर लिया है, ये सब बातें कर ली थी, जस्ट रिवाइज कर रही हूं. यहाँ पे मैंने कहा था ए के ही प्योर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ए के मोल है, ठीक है, सिर्फ ए है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए है. और लास्ट टाइम शायद बताया था सोल्यूट के लिए बी यूज करते हैं और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, शायद ये बताया था लास्ट टाइम, याद है. तो यहाँ पे ए लिया और ये क्या है, ये वोलेटाइल है, ये क्या है वोलेटाइल, और वोलेटाइल क्या लिया है मैंने, सॉल्वेंट लिया है, ये क्या है वोलेटाइल, सॉल्वेंट लिया है, सही है. अभी यहाँ पे इसके वेपर बन रहे, बन गए, ये कितना हुआ, P not A हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अभी इसमें क्या ऐड किया था, B को ऐड किया था, याद आ रहा है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसे है, नॉन वोलेटाइल है, जो इजीली वेपराइज नहीं होना चाहते हैं. इन दोनों को मिक्स किया, मतलब जो प्योर थे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिया, मतलब यहाँ पे ए आ गया, बीच में कहीं बी आ गया, यहाँ पे ए है बीच में बी आ गया, यहाँ पे ए कहीं बीच में बी आ गया, यहाँ पे ए है कहीं बीच में बी आ जाएगा, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी आ गया, इस तरह से चल रहा है. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर अगर मैं मान लू तो वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर होगा ना, क्योंकि बी कैसा है, बी नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपराइज हो ही नहीं रहा. बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं होना चाहता है. मतलब जो भी वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, किसके वेपर्स फॉर्म हो रहे, पी ए के, मतलब ए के वेपर्स फॉर्म हो रहे. यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना
उस सॉल्यूशन में किसके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक के हो रहे ना, ये बात समझ में आ रही है भी? नॉन वोलेटाइल है, उसकी टेंडेंसी नहीं है वेपर फॉर्म करने की, मतलब लेकिन 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 यहां पे जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे सिर्फ ए ही था, यहां पे बीच में बी आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी यहां पे कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। लास्ट टाइम बताया था ये भी चीजें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां पे नॉन वोलेटाइल, जहां पे ए को रहना था वो बीच में बी आ गया, बी का क्या कहना है, ना मैं वेपराइज दूंगा ना दूसरे को होने दूंगा, तो भाई ए का जो वेपर फॉर्म होने की टेंडेंसी थी वो तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि बी ने अपनी जगह रोक के रखी हुई है। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से बहुत कम आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर दिख नहीं रहा है तो सुन लो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी यहां पे मैं एक बात कह सकती हूं, यहां पे हम एक बात कहेंगे कि यहां पे मैं बोल सकती हूँ कि पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल जो प्रेशर है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि ए के मोल है। क्या इसी को आप लोगों ने बोला था राउल्ट्स लॉ? क्या इसी को आप लोगों ने राउल्ट्स लॉ कहा था? यही है ना राउल्ट्स लॉ आपका, कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इतनी चीजें आप लोगों ने लिख ली थी, डोंट वरी, ये चीजें लास्ट टाइम की है, लिखो मत अभी, ठीक है? अभी मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ, ये चीजें आप लोगों ने नोट कर ली थी लास्ट टाइम। अभी यहां पे राउल्ट्स लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हमें राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, हमें राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था, आर ए इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है यहां पे, ये बन गया है यहां पे, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सही है ना, यही तो लिखा है हमने। In a solution, the partial vapor pressure is due to each volatile component. कौन सा? Partial pressure of each volatile. Non-volatile की बात नहीं हो रही। Each volatile component is directly proportional to the that mole fraction of that component. तो PA directly proportional to क्या हो जाएगा? Mole fraction of A. Raoult's law याद रखो। फिर हमने क्या लिखा था? यहाँ पे लिख देती हूँ। PA directly proportional to mole fraction A. PA is equal to यहाँ पे के कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सही है, ये रफ कर दो अभी। चल कर दिया, ये सब चीजें हो चुकी है, बस वही तो है। शायद ये नहीं हुआ था, वोलेटाइल वाला रह गया था, ठीक है, ये हो गए। P is equal to P naught A। क्या इसी को मैंने लिखा था, आपको याद है राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था टू वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, PA is equal to P naught A, और यहाँ पे X आ गया था, एक इक्वेशन बन गया, PA is equal to P naught A XA। यहां तक तो चीजें आपको पता है, यहां तक चीजें आप लोगों को पता है जो कि हम राउल्ट्स लॉ में पढ़े थे, सही है ना? अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते PA, अभी ध्यान दो यहां से, अभी ये नया कुछ है, ठीक है, ये हो गया था हमारा। क्या मैं यहाँ पे P naught A, XA मतलब जीटा ए होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए,
आप लोग जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू वन होता है. कितने भी मोल फ्रैक्शन हो उसका सम करोगे तो वन आएगा. पी नॉट ए, क्या मैं यहां पे जीटा ए को वन माइनस जीटा बी बोल सकती हूँ? जीटा ए को मैं क्या कह रही हूँ? वन माइनस जीटा बी. तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस जीटा बी हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? वन माइनस जीटा बी. अभी यहां पे हम बात करते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा? पी नॉट ए और जीटा बी हो जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? अभी यहां पे देखो पी नॉट ए एंड जीटा बी इज इक्वल टू पी ए माइनस, यहां पे कितना होगा? पी ए नहीं होगा ना, पी नॉट ए होगा. पी नॉट ए लेके जाऊंगी माइनस पी ए हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आई है? ये वाला फॉर्मूला देखो P not A XB is equal to P not A minus क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा. अभी यहां पे P not A क्या है? Vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution. क्या मैं इसको lowering of vapor pressure बोल सकती हूँ? Last time बताया था. क्या मैं इसको lowering of vapor pressure बोल सकती हूँ? हाँ, इसको lowering of vapor pressure बोल सकते हैं. देखो अभी यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, B मतलब सोलूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिखूं मैं? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? पी नॉट ए. क्या यही फॉर्मूला हमने निकाला था एक बार? लास्ट टाइम में एक फॉर्मूला निकाला था. एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या फॉर्मूला है? जीटा बी. व्हाट इज मीन बाय जीटा बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट. क्या है यहां पे? दिस इज अ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन किसका है? सोलूट का है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. पी नॉट ए माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट. लास्ट टाइम एक लिख के दिया था पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी नॉट. अभी ये किसके बराबर आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट के. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट निकाल सकते हो, बताया है मैंने. इनिशियल मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट. क्लियर हुआ है? चलो ये नोट करना है आपको, ये आप लोगों ने लास्ट टाइम नहीं लिखा था. चलो लिख लिया है, रब कर दूं. लिख लिया है, चलो रफ कर लियो. कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लिया करो. मैम नहीं लिखा मैम. अरे वही तो पूछ रही हूँ मैं कब से. अरे लिख लिया लास्ट का लिखना था. हाँ मैम ये मत मिटो. लिख ले यार, बताया तो करो ना थोड़ा जल्दी से, ऐसे थोड़ी होता है. अब मुझे लगा तुम लोग आंसर नहीं देते, वैसे भी शांत हो सब. चलो रब कर दूं, हो गया? यस मैम. ओके अथर्व, अभी नेक्स्ट यहां से शुरुआत होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जो मैंने कहा था लास्ट टाइम. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने नंबर में है. सोल्यूट के पार्टिकल्स मतलब इन केस ऑफ मोल्स में हो, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स में आए, आयंस में आए, मोल फ्रैक्शन में आए, व्हाटएवर जो भी होगा. द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड डज नॉट
depend upon the nature of solute. मतलब जो आप सोलूट ले रहे हो, सोलूट का नेचर क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, सोलूट का नेचर क्या है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है. बट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं उस पे जो डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी जो हमने पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कौन सी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़े यहाँ पे. अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एग्जाम्पल लिया. क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या आया था? नंबर ऑफ सोल्यूट. यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ सोल्यूट यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? एन सोल्यूट. यहाँ पे एन सोल्यूट अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. मतलब आदर वीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स. मींस आरएलवीपी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, उसका नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं. पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आरएलवीपी तो हमने पढ़ ही चुके हैं, आरएलवीपी का हमने फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए है, अभी उसके न्यूमेरिकल्स बाकी है. चलो नोट कर लो और थोड़ा जल्दी. लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे जिसमें सिर्फ ओलेटाइल कंपोनेंट थे, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें नॉन ओलेटाइल कंपोनेंट भी होंगे. नॉन ओलेटाइल यूरिया, ग्लूकोज या सुक्रोज के टर्म्स में आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए. चलो रब कर दो. सिंपल फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा. 2 मेथड बताऊंगी, जो भी आपको इजी मेथड लगे उससे आप कैलकुलेशन कर लो. चलो मैं रब कर रहा हूं, कर दिया. ओके चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. राइट डाउन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉटर. The vapor pressure of pure water is 60 mmHg at same some temperature. कोई temperature दिया नहीं है, some temperature बोल दिया. Some temperature. Find the vapor pressure of solution. Find the vapor pressure of solution. Containing 30 gram urea dissolve in 72 gram water. Dissolve in 72 gram water. आप लोग try करोगे या मैं बता दूं? आप लोग करना चाहोगे? ऐसा ना, फिर मैं आपने पूछा ही नहीं, हम तो करने वाले थे. चलो ट्राई करो एक बार. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और कितना यूरिया डाला उसमें? 30 ग्राम यूरिया. हमें निकालना क्या है?
क्या फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए, पीए निकालना, पी नॉट ए दिया है, पीए कैलकुलेट दिया, करूं मैं? ट्राई करो, ट्राई करो. मैम यूरिया NH3 होता है ना? यूरिया, हाँ यूरिया, यूरिया याद रखना, NH2CONH2, N2H4CO, N2H4CO, यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला याद रखो, हमेशा दिया नहीं जाएगा. निकालो बस, फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया. टेम्परेचर से पहले लिखा हुआ है एट सम टेम्परेचर, एट सम टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर दिया नहीं गया, मान लो सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर है. सो लुक एवरीवन, थोड़ा जल्दी जल्दी क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला बता दू. P नॉट, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लिखा था हमने, P नॉट A माइनस P A डिवाइडेड बाय P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, लिख दो P नॉट A माइनस P A बाय P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ B. अभी फॉर्मूला तो बता दिया, अभी तो आपको क्या ही है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉटर. प्योर वॉटर मतलब P नॉट A हो गया, मैंने कहा सोलूट सॉल्वेंट के लिए A यूज करना, कितना होगा 60 mm, Hg दिया हुआ है. क्या निकालने के लिए बोला है, PA निकालने के लिए कहा है, सही है ना. अभी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए. मुझे नंबर ऑफ मोल्स ना, ये क्या होगा XB, मतलब जीटा भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए मतलब सोलूट हो गया. अभी मोल फ्रैक्शन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसके निकालना है, बी के निकालना है. तो बी मतलब क्या हो जाएगा, यूरिया, पहले मैं यूरिया लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. गिवन मास कितना दिया है, 30 दिया हुआ, इसका मोलार मास आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो 60 आ रहा होगा. नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है साहिल, देखो कहां पे गलत हो रहा है. 30/60 हो जाएगा, 30/60 कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब ये 0.5 आ गया ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, वाटर के लिए कितना दिया है, 72 दिया हुआ है, ये 18 होता है मोलार मास, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया होगा. नितिन थोड़ा गलत हो रहा है, गलत हो रहा है. अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, एन बी, एन बी मतलब क्या हो रहा है, बी किसके लिए, सोलूट के लिए, सोलूट कौन सा है, यूरिया है, सोलूट कौन सा, यूरिया, तो यूरिया कितना हो गया, 0.5, यहां पे 0.5 प्लस 4 हो जाएगा 0.5, और यहां पे आ जाएगा 4.5, तो 5/45, तो ये आ जाएगा 1/9, सही है, पॉइंट कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, ये 1/9, क्लियर है. चलो वैल्यू पुट करो, P नॉट A कितना दिया हुआ है, 60, PA नहीं पता, P नॉट A 60, और ये कितना दिया है, 1/9 दिया है, क्या इसी तरह से किया था, इसको आगे कैलकुलेट कर लो, PA की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू आती है, पीए की वैल्यू आएगी 53.33, किसी का नहीं आया ना अभी तक, 53.33 mmHg. यस नितिन, वो भी यूज कर सकते हो, वेरी गुड. चलो ये तो हो गया पहला मेथड, अभी जो नितिन ने बोला है चलो वो भी यूज कर लेते. मेथड नंबर टू, सेकेंड मेथड यूज कर सकते, कौन सा यूज करेंगे,
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए क्या लगेगा? मोल्स तो लगेंगे ना, इसमें मोल्स लगेंगे, यही के मोल यूज कर लो ये वाले दो. ठीक है, तो यहां पे यूरिया का कितना मोल्स आया? यूरिया का मोल्स दिया हुआ है 0.5, और यहां पे वाटर के कितने मोल्स आए? यहां पे 4 आ गए. ठीक है, ये सही है. मोल फ्रैक्शन ऑफ यहां पे ए, ए मतलब क्या हुआ अभी? ए किसको हम यूज करते हैं? सॉल्वेंट को यहां पे. तो सॉल्वेंट कितना है? 4, और डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4.5. वैल्यू पुट कर दो यहां पे, क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 60 है, ये हो जाएगा 4/4.5. इसका भी आंसर आया होगा 53.33 mmHg. दोनों मेथड है, इस मेथड से चलना है तो इसे चलो, उससे चलना है उससे चलो, आपकी मर्जी. क्लियर है अभी? चलो दूसरा एग्जांपल दू, आप खुद करोगे अभी? अब भाई यस, चलिए अब करू, कर दिया. दो मेथड है, जो भी आपको अच्छी लगे कर लो, बट याद रखना ए किसके लिए यूज कर रहे हो, बी किसके लिए यूज कर रहे हो. ए सॉल्वेंट के लिए है, ए किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए है. और बी किसके लिए यूज कर रहे हैं? सॉल्वेंट. कंफ्यूज नहीं होना, अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर ए और बी में ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है ना, तो यूरिया वाटर साथ में लिखो, कुछ नहीं होता, क्या प्रॉब्लम होगी. सेकेंड, कैलकुलेट दी मास ऑफ, कैलकुलेट दी मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मोलार मास दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है 40 g/mol. Required to dissolve, required to dissolve in 114. हाँ, ये 1-1 है, नहीं तो बोलोगे 2-2 है, फिर करोगे. इसको मैं सिंपल लिख देती हूँ, 114 g of acetone, sorry, gram of octane है, octane पता है ना, gram of octane, to lower vapor pressure to 80%. चलो try करोगे, एक बार try करो. अभी मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालने के लिए का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है? 80 पे जा रहा है, 80% से डिक्रीज हो रहा है. ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है सबको, C8H18. हाँ, सही सही से आंसर बताना है बस. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास बताना है. चलो कर दूं मैं. मैम सॉल्व कर रहे हैं मैम. अच्छा कर रहे हो, ठीक है, करो.
प्रीति गलत हो रहा है। प्रीति अप्रोक्सीमेट निकाला है क्या? अगर अप्रोक्सीमेट निकाला तो थोड़ा सा आसपास है, थोड़ा सा ना डिफरेंस है। यार सूरज सबका ही सेम आ रहा है, मेरा ही तो गलत नहीं आ रहा है। मेरे पास सिर्फ आंसर है और मेरे पास कुछ अलग आंसर है। देखते सूरज और प्रीति बाकी लोगों के आंसर क्या आते। यार सबका ही सेम आ रहा है, मतलब कुछ मुझ मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। 1/100 114 लिया ना, सबका सेम आ रहा है आंसर। और कोई आंसर निकाल रहा है? संकेत आंसर नहीं आया। प्रीति का, अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। या तो यहां पे जो दिया है आंसर वो गलत है, लेकिन सबका ही सेम आंसर है, बड़ा कंफ्यूजन है। एक बार चेक किया सूरज, एक बार चेक करो ना। अच्छा साहिल तुझे समझा ही नहीं क्या निकालना है, वेरी गुड। बाकी लोगों का आंसर डिफरेंस आ रहा है, तुझे समझ में ही नहीं आया करना क्या है। चलो ओके अभय, वो तो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन समझ में आया क्या निकालना है। देखो सॉल्यूशन देखते चलो। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या निकालना है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है। उसका मोलर मास दिया है, रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, इसको भी देखते हैं ऑक्टेन को बाद में। ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन होता है C8H18 होगा। इसका मोलार मास निकालोगे कितना आएगा? मोलार मास ये हो जाएगा 96 प्लस 18, 114 ही आ रहा है ना मोलार मास इसका, 114 ग्राम। यस ठीक है, इसका मोलार मास आया 114 ग्राम। अभी देखो वेपर प्रेशर लोअर टू 80%, 80% लोअर, वाई? मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होगा? 100% होगा ना, पहला तो 100% होगा, 100 में से कितने पे गया? 80% लोअर हुआ, मतलब ये 80 हो गया। 100 से कितना गया? 80 गया ना, 100 से 80 गया। फॉर्मूला क्या यही यूज किया? पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अभी यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या ये समझ में आया? अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमें तो नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमें पता है क्या? नहीं, हमें पी नॉट पता है। पी नॉट ए कितना है? 100। पी ए कितना है? 80। पी नॉट ए कितना है? 100। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया? 100 - 80 20 by 100, 1/5। क्या यहां तक सही आया सबका? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया? 1/5 आया था। ठीक है, क्या मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है? नहीं, मुझे मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है। मास कब निकलेगा? जब मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालूंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट के लिए भी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालती हूं तो उससे मास निकल जाएगा। चलो निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या लिखा है मैंने यहां पे? एन बी एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये कितना हुआ? 1/5 हुआ, सही है। ये 1/5 वैल्यू पुट कर दी यहां पे, मैं लिख सकती हूं यहां पे एन मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यहां पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। गलत हो रहा है कुछ, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ?
एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पे एन बी कर दिया और ये हो जाएगा एन बी प्लस एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पे एन बी बाय एन ए रह गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन कर दू इसको, प्लस वन कर दू, ठीक है। तो वन बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहां से आप एन ए की वैल्यू पुट कर सकते हो। एन ए क्या है, एन ए है ऑक्टेन। मैम कैमरा थोड़ा नीचे लो ना। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी यहां से एन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एन ए क्या है, यहाँ पे कर रही हूं मैं, एन ए वन, गिवन मास 114, मोलार मास 114, तो ये तो वन ही आ गया, तो ये हो जाएगा वन, तो वन बाय फाइव यहाँ पे एन बी प्लस वन हो जाएगा ना, एन बी प्लस वन। तो यहाँ पे फॉर्म कितना आ जाएगा वैल्यू, एन बी इज इक्वल टू, निकालो जल्दी से, ये रफ कर देती हूँ, एन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाय फाइव माइनस वन, तो फाइव माइनस वन ये होगा फोर बाय फाइव, सही है। चलो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, गिवन मास मैम नेगेटिव में आ रहा है क्या, नहीं नेगेटिव कैसे आएगा, मोलार मास 1 बाय 5 को माइनस 1 कर दिया तो इज इक्वल टू एन बी होगा ना, ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 पुट कर दी, तो 1 बाय 5 माइनस 1 मैम माइनस 4 बाय 5 आ रहा है। यस मैम माइनस 4 बाय 5 आ रहा है। अरे हाँ मैम आपने शायद गलत किया है मैम, वहां पे ना 1 बाय 4 आना चाहिए। कहां पे 1 बाय 4 आना चाहिए, वही सोच, मैंने कहीं तो गलत किया है, ये तो हुआ सही से, ये एक्स बी हुआ, एन की वैल्यू पुट कर दो स्टार्टिंग में, एन बी बाय एन, अच्छा हाँ वो कर देती हूँ, उससे पॉजिटिव आएगा, ठीक है चलो उससे कर देती हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो पहले, ठीक है ये वैल्यू पुट कर देते, ये 1/5 हो जाएगा यहाँ पे, बोलो मैम आपने जो डिनोमिनेटर स्प्लिट किया था ना मैम, वो स्प्लिट नहीं होगा एक्चुअल में, स्प्लिट हो ही नहीं पाएगा, नहीं लिख दिया ना फॉर्मूला, तो सही कर रही हूँ ना मैं, फॉर्मूला तो सही है ना, एन बी एन ए बाय एन बी यहाँ पे, तो इसको अगर मैंने 1/5 कर दिया तो 1 वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखते थोड़ा सा, एन बी हो जाएगा ये, ठीक है, एन ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एन बी, यही होगा ना, यस मैम, फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन बन रहेगा मैम, एनबी की वैल्यू 1/4 है, तो मैम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा सही है सही है सही है, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो एनबी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 प्लस एनबी 5 एनबी, 1/4 आ रही होगी, चलो ठीक है भाई, अभी आ गई 1/4, गलत हुआ था, ठीक है एनबी 1/4, तो एनबी की वैल्यू 1/4, गिवन मास तो हमें निकालना है, गिवन मास निकालना है, मोलार मास कितना हो जाएगा, 40 दिया हुआ है ना इसका, मोलार मास 40 दिया है, तो आंसर कितना आ रहा है फिर अभी, 10 8 कैसे आया फिर तुम लोगों का, 8 कैसे आया, ये कैलकुलेशन तुम 10 बोला कर दिया था, बट 8 कैसे आया, चलो आगे बढ़े, हाय हाय कैलकुलेशन आज तो गलत हो गया, चलो इसलिए मुझे लगा 8-10 आना चाहिए, आंसर 10 दिया है मेरे पास, और आप लोगों ने 8 निकाला, और 1-2 लोगों ने नहीं, 4-5 लोगों ने 10 निकाला, तो थोड़ा सा कहाँ पे गलती हुई है आप लोगों की, मैंने जैसे ही गलती कर दी नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, चलो नेक्स्ट लिखो थर्ड, जल्दी जल्दी, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉटर इज, मैम कैमरा थोड़ा ऊपर लो, क्या हुआ दिख नहीं रहा ऊपर का, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलल, मोलल बताया मैंने क्या होता है, मोलैलिटी, 1 मोलल नॉन ओलाटाइल
सोल्यूट, वन मोलर नॉन ओलाटाइल सोल्यूट। चलो वन मोलर का समझ में आया, वन मोलर क्या होता है, मोलैरिटी, वन मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 मतलब 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो चलो ट्राई करो, ट्राई करते, आई होप आई स्कैन। वो 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, आई होप आप ही कर लो, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मुझे फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन में। सबका आंसर थोड़ा सेम आने दो, मतलब अच्छा लगे। वन मोलर का मतलब समझ में आया, वन मोल सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ भाई आंसर निकाल लिया संकेत, सही है, सही है। चलो निकालो जल्दी से, और किसी का नहीं है, बस संकेत ने निकाल के रख दिया। शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, फास्ट। पी नॉट ए कितना दिखे रखा है, 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल, गुड सूरज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीए निकालने के लिए कहा है, वन मोलर क्या होता है, इस पे सब है, वन मोलर, वन मोलर होता है वन मोल सोल्यूट, वन मोल सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉरी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ही आता है, 1000। प्रीति अभी तक आंसर नहीं आया, अभय, हाँ प्रीति, गुड। ठीक है, अभी वन मोलर का है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना होगा, वन होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालो, गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास देखो सॉल्वेंट कितना मास दिया हुआ है, 1000। मोलार मास कितना है, 18, सही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा वन, वन प्लस 1000 बाय 18। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लो, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे आप पी ए की वैल्यू, पी नॉट दिया हुआ है, पी नॉट दिया है, इसकी ये वैल्यू दी है, तो यहां से आपका पी ए आ जाएगा, फिर से नीचे, यहां से आपका पी ए की वैल्यू आ जाएगी। या डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, सेकेंड मेथड, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 12.08 किलो पास्कल। ट्राई करो 12.08 किलो पास्कल। ओके क्लियर हुआ है, चलो बाकी और भी कैलकुलेशन है इसमें, आप लोग ट्राई करोगे, आपके बुक में दिए हैं बहुत सारे एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन डालो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इन डालो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आप लोगों ने
11th स्टैंडर्ड में गैसियस स्टेट पढ़ा है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा है। आइडियल मतलब क्या है कि जो सारे लॉ को फॉलो करेगा, जो सारे लॉ को फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ, गे लुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ और गैड्रोज लॉ, जो सारे लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल गैस होता है, और जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा। तो इसी तरह से राउल्ट्स लॉ में भी होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल होता है, जो फॉलो नहीं करेगा वो कैसे होगा, नॉन आइडियल होगा। तो यही हमें डिस्कस करना है कि आइडियल कौन होगा, नॉन आइडियल कौन होगा, आइडियल कौन होगा, नॉन आइडियल कौन होगा। अभी देखो एक कंटेनर ले रहे हैं, यहाँ पे फिर से वही बात करेंगे हम, एक कंटेनर है, यहाँ पे क्या लिया हुआ, ए लिया हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्या है, ये है प्योर लिक्विड ए, ये क्या है आपका प्योर लिक्विड ए, और इसका जो वॉल्यूम है वो रहेगा वी वन, इसका जो वॉल्यूम है वो रहेगा वी वन। यहां पे ऐड कर रही हूं मैं प्योर लिक्विड बी, यहां पे हम ऐड कर रहे हैं प्योर लिक्विड बी, ये बी हो गया, ये बी हो गया, यहां पे ये बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्योर लिक्विड बी, और मान लो इसका वॉल्यूम रहेगा वी टू, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना रहेगा वी टू। अभी इन दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद देखो क्या सिचुएशन आ रही है, ये देखो इस तरह से, यहां पे इनको मिक्स करोगे तो यहां पे सॉल्यूशन बन रहा है किसका, ए बी रहेगा, बी भी रहेगा, यहां पे ए है, यहां पे बी है, फिर से ए आ जाएगा, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, और ये क्या बन गया, यहां पे सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। अभी आपको पता है क्या मैं इसको v फाइनल मान लू, फाइनल बोलू, अगर v1 प्लस v2, ध्यान से सुनो, अगर v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v फाइनल आ रहा है, अगर v1 प्लस v2 v फाइनल आ रहा है, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हमने तो देखा है गैसीय स्टेट आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर v1 plus v2 is equal to v final आ रहा है तो वो आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। एक सिंपल टर्म्स बता दी, मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो आइडियल रहेगा। क्या कहा मैंने, अगर v1 plus v2 is equal to v final होता है तो वो आइडियल रहेगा, अगर v1 plus v2 not equal to v final हो रहा है, मतलब दोनों वॉल्यूम को ऐड करने के बाद ये वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पे पहली जो बात हमें डिस्कस करनी है आइडियल नॉन आइडियल में, हमें बात करनी है यहां पे डेल्टा वी मिक्सचर की, किसकी बात करनी है, डेल्टा वी मिक्सचर की। डेल्टा वी मिक्सचर मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के बाद अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो नॉन आइडियल होगा, अगर डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो कौन सा होगा, आइडियल होगा, जो आना चाहिए वो आ रहा है मतलब आइडियल, बट जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल, उसको आप क्या कहोगे, नॉन आइडियल। उसके बाद हम सेकेंड जो फैक्टर हम डिफाइन करेंगे दैट इज डेल्टा एच मिक्सर। डेल्टा एच मतलब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़े होगे, डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथाल्पी, डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथाल्पी, किसकी, ऑन मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद एंथाल्पी चेंज हो रही। अभी देखो यहां पे प्योर ए है, प्योर बी है, ये क्या कर रहा है, जब ए का यहां पे एटम ब्रेक होगा, ए के एटम क्या होगे, ब्रेक होगे, यहां पे ए है, यहां पे ए है, इनका क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग करने के लिए हीट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, अगर ब्रेक कर रहे हो तो हीट क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, यहां पे
यहाँ पे भी बी के पार्टिकल्स है या बी के एटम्स है यहाँ पे, इनके बीच में भी ब्रेकिंग होगी क्योंकि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे भी कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे भी कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है। किसका सॉल्यूशन बन रहा है? ए और बी का सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है हीट क्या होती है? रिलीज होती है। मैं फिर से समझा रही हूँ, चलो फिर से समझाती हूँ साक्षी, कोई बात नहीं, फिर से समझाती हूँ। क्या लिया है साक्षी? मैंने कहा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? जो राउड्स लॉ को फॉलो करता है। हमने पहले पढ़ा था, अगर आप लोगों ने गैसियस स्टेट में पढ़ा है, जो सारे लॉस गैस लॉस को फॉलो करता है वो आइडियल होता है, और जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल रहेगा। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया प्योर लिक्विड ए का, दूसरा था प्योर लिक्विड ऑफ बी। इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया वी वन है, इसका वॉल्यूम वी टू है। जब मैंने ए और बी को मिक्स किया तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया, और मैंने मान लिया इसका वी फाइनल रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, मतलब वी वन प्लस वी टू अगर कर रहे हैं, तो हमेशा कितना आएगा? वी फाइनल। मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे वही आंसर आ रहा है। मतलब ये कैसा रहेगा? आइडियल रहेगा। ये सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल रहेगा, जो हम सोच रहे। लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसके अपोजिट कुछ आता है तो वो आइडियल नहीं है, वो क्या रहेगा? नॉन आइडियल। मतलब वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मैंने कहा कि पहला फैक्टर हमें कौन सा पढ़ना है? डेल्टा वी मिक्सचर। ये फैक्टर हमें पढ़ने हैं, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूं इसका। डेल्टा वी मिक्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अगर यहां पे मैंने कहा कि जो वॉल्यूम होना चाहिए वही वॉल्यूम अगर आ रहा है, मतलब v1 plus v2 is equal to v final आ रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, आइडियल ही हो रहा है। बट v1 plus v2 not equal to v final आ रहा है, मतलब इन दोनों को वॉल्यूम को कंबाइन करके इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, वो कैसा रहेगा? नॉन आइडियल रहेगा। कैसा रहेगा? नॉन आइडियल। सेकेंड जो बात है डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। अभी एंथैल्पी की बात कर रहे हो, मतलब चेंज इन हीट की बात कर रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हो। अभी देखो यहां पे ए के साथ में बी को मिक्स कर रही हूं, तो ए में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। अभी वो ब्रेक करने के लिए वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पे बी है, बी और बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इनको ब्रेक करने के लिए हीट को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सॉल्यूशन बन रहा है। किसका सॉल्यूशन बन रहा है? ए और बी का सॉल्यूशन बन रहा है। तो ए और बी का सॉल्यूशन बनेगा तो यहां पे जब बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है। बॉन्ड जब बनता है हीट रिलीज हो रही है। अभी मैं मान लू कि यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है 3 जूल्स हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मान लू, हाँ एग्जाम्पल दे रही हूं, यहाँ पे 30 जूल है हीट एब्जॉर्ब हुई है और यहाँ पे 20 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है, और यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई है, यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी वो होगी 50 जूल। मतलब जितनी हीट दोनों इसमें एब्जॉर्ब हो रही है उतनी हीट अगर रिलीज हो रही है, जितनी हीट दोनों को मिलके एब्जॉर्ब हो रही है अगर उतनी हीट रिलीज होती है तो वो कौन सा रहेगा? आइडियल रहेगा। वो तो नॉर्मल प्रोसेस हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई और सॉल्यूशन में हीट रिलीज हो गई। जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही रिलीज हो रही है, मतलब क्या रहेगा वहां पे? नॉर्मल कंडीशन है, दैट इज आइडियल। क्लियर है? वो कौन सी कंडीशन होगी? आइडियल कंडीशन होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद अभी हम बात करेंगे इंट्रैक्शन की। थर्ड जो पॉइंट है वो मैं फिर से डिस्कस करने वाली हूं। अभी यहां पे थर्ड जो पॉइंट है इंट्रैक्शन। अभी हमें देखना है कि इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा है। इंट्रैक्शन इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब क्या आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या मैं यहां पे ए ए का बॉन्ड ब्रेक कर रही हूं? क्या इक्वल होगा बी बी का बॉन्ड ब्रेक करना? मतलब जितना मैंने कहा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही बी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है?
या तो मैं ऐसे लिखू, यहां पे ए ए है, उसके साथ कौन जाएगा, बी बी रहेगा, इनका इंट्रैक्शन नॉट इक्वल टू किसका रहेगा, ए बी का इंट्रैक्शन रहेगा। अगर दोनों का इंट्रैक्शन सेम आता है, जितना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन यहां पे था उतना ही स्ट्रॉन्ग यहां पे है तो आइडियल होगा, जितना वीक इंट्रैक्शन यहां पे उतना ही वीक इंट्रैक्शन यहां पे होगा तो आइडियल होगा। बट इनका इंट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना है उससे कम या उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है तो वो कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा, वो कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लू, उसके बाद जो फोर्थ है, पहला क्या था, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स और इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे एंट्रोपी, डेल्टा एच जानते हो, थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़े हो अच्छे से, डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब रैंडमनेस जितनी बढ़ेगी, ठीक है, ये ऑलवेज रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। ये आइडियल में भी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होता है और नॉन आइडियल में भी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होता है। एंड जो फिफ्थ पॉइंट हमें देखना है, गिव्स एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी होता है गिव्स एनर्जी, जो हमेशा लेस देन जीरो होगी, मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। ये भी कब होगा, ऑलवेज, ये भी कब होगा, ऑलवेज। चलो पहले इतना नोट कर लो, ये सब पॉइंट हमें देखने हैं। ये दोनों पॉइंट तो आइडियल और नॉन आइडियल सेम ही है, दोनों पॉइंट आइडियल और नॉन आइडियल के लिए सेम ही है, उसमें कोई नहीं। साक्षी क्लियर हो रहा है अभी, समझ लो, समझने की कोशिश करो, फिर से आएगा ये, नहीं समझा तो। कैमरा नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं लिखा मैंने, इतना तो दिख ही रहा है मुझे। अब भाई चलो नेक्स्ट सिनेरियो लिख लिया है, ये फैक्टर में पढ़ना है, आइडियल में और नॉन आइडियल में। ओके चलो रफ कर दो, नेक्स्ट निकाल लो, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट डालो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन मींस विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, विच फॉलोज कौन सा लॉ, राउल्ट्स लॉ, at all concentration and at all temperature। क्या हो रहा है, the solution which follow Raoult's law, at all concentration and at all temperature is called as ideal solution। अभी आपको पता है कि यहां पे जो मैं प्रेशर निकालूंगी, कोई भी सॉल्यूशन है या गैस है जिसका मैं प्रेशर निकालूंगी, तो एक प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर होगा। ये क्या होगा, ऑब्जर्व प्रेशर। ऑब्जर्व प्रेशर का मतलब क्या है, कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है। ऑब्जर्व प्रेशर कहां से आएगा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से, मतलब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, हमने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट करने के वजह से क्या हुआ, एक प्रेशर हमें पता चला।
हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला हुआ, प्रेशर निकाला हुआ. तो दैट इज अ ऑब्जर्व प्रेशर. अभी आपको पता है अगर ये प्रेशर राउल्ट्स लॉ के जैसा हुआ, पी नॉट ए बाय एक्स ए प्लस पी नॉट बी बाय एक्स बी, यही तरह राउल्ट्स लॉ क्या था, p इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. मतलब जो प्रेशर हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला वही प्रेशर राउल्ट्स लॉ ने भी कैलकुलेट किया हुआ है. जो प्रेशर हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला वो प्रेशर बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ भी आ रहा है. मतलब वो कौन सा होगा, वो आइडियल, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. ये कैसे होगा, ये कैलकुलेटेड बाय, कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ. कैसे होगा, कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ. मतलब ऑब्जर्व प्रेशर किसके बराबर है, राउल्ट्स लॉ के जो प्रेशर है उसके बराबर होगा. तो वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. मतलब मैं यहां पे लिख सकती हूं कि पी ए क्या था, पी ए कैसा है, ऑब्जर्व है. राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये होगा एक कंडीशन, दोनों का प्रेशर सेम है. उसके बाद ये होगा पी बी, कौन सा है, ये ऑब्जर्व वाला है, ये किसके बराबर होगा, पी नॉट बी बाय यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. तो मतलब ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों सेम है तो उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन है. ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है. चलो पहला पॉइंट समझ में आया सबको, पहला पॉइंट क्लियर है साक्षी, कि जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है वही हम राउल्ट्स लॉ से भी कैलकुलेट कर रहे हैं. दोनों का प्रेशर अगर सेम आता है तो कौन सा लॉ रहेगा, आइडियल, कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन. जो सोच रहे वही आ रहा है. ओके चलो रफ कर दू क्योंकि नीचे नहीं लिखूंगी, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है नीचे में तो मैं नीचे नहीं लिखूंगी. रफ कर दू, रफ कर दिया. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, वहां पे हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यहां पे हमने लिखा था डेल्टा भी लिखा था ना, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर. अगर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जीरो आ रहा है, वही तो मैंने कहा अगर चेंज इन वॉल्यूम इन अ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा. देखो डेल्टा वी मिक्सचर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. अगर वो जीरो आता है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा. वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. अभी आप लोग जानते हो कि ए ए में जितना इंट्रैक्शन है, ए ए में जितना इंट्रैक्शन है उतना ही बी बी में इंट्रैक्शन रहेगा, उतना ही बी बी में इंट्रैक्शन रहेगा. और उतना ही इंट्रैक्शन अगर ए बी में है, उतना ही इंट्रैक्शन अगर ए बी में है. आप देख पा रहे हो ना, जितने ए के मॉलिक्यूल्स है ए में जितना इंट्रैक्शन होगा उतना ही इंट्रैक्शन बी बी में होगा, और उतना ही इंट्रैक्शन किस में होगा, वहां पे ए बी में होगा. अभी इंट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है. अभी मुझे बताओ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है, जब इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है. अगर इंट्रैक्शन वीक हो गया, इंट्रैक्शन वीक होगा मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है. बट यहां पे सबके बीच में इंट्रैक्शन सेम है, मतलब यहां पे ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. मतलब डेल्टा वी कितना आया, जीरो आया. अगर डेल्टा वी जीरो आता है तो वो क्या रहेगा, आइडियल रहेगा. वो कैसा रहेगा, आइडियल रहेगा. थर्ड, डेल्टा एच मिक्स, अगर डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज जीरो. सही है ना, जितने हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतने हीट अगर रिलीज होगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है अगर उतनी ही हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच कितना आएगा, चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा, जीरो होगा. चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा, जीरो होगा ना यहाँ पे. थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लो. थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
मतलब जितना फोर्स AA में है उतना ही फोर्स अगर BB में होगा और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर AB में होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA में है वही इंट्रैक्शन वाली बात चल, जितना ही फोर्स BB में होगा उतना ही फोर्स अगर AB में है तो गैस कौन सी होगी? आइडियल होगी। गैस कौन सी होगी? आइडियल। फोर्थ, डेल्टा एस मिक्स हमेशा जीरो होगा। एंड फिफ्थ, डेल्टा जी कितना होगा? ऑलवेज। ये किसके लिए? आइडियल और नॉन आइडियल के लिए। साक्षी, फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सचर जीरो। अभी देखो, डेल्टा वी मिक्सचर जीरो का मतलब क्या है? अभी AA में इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद BB में इंट्रैक्शन होगा और AB जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वहां पे इंट्रैक्शन है। अभी जितना इंट्रैक्शन AA में है उतना ही इंट्रैक्शन BB में है और सेम इंट्रैक्शन AB में आ रहा है। अभी मुझे बताओ साक्षी, इंट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ, इंट्रैक्शन स्ट्रांग है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हुआ, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं मतलब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर इंट्रैक्शन वीक हो गया, अगर इंट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे और वहां पे वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। मतलब इंट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। बट अगर सब में इंट्रैक्शन सेम है, जितना इंट्रैक्शन पहले था उतना ही लास्ट में इंट्रैक्शन है, तो ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना कम होगा, कितना रहेगा? इज इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है साक्षी? फर्स्ट पॉइंट। हाँ, अब है फोर्थ पॉइंट, डेल्टा एक्स मिक्सचर। अभी डेल्टा एस मिक्सचर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस मिक्सचर क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। भाई जब भी सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाओ या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाओ, वहां पे रैंडमनेस इंक्रीज होती है, वहां पे रैंडमनेस इंक्रीज होती है। और अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस क्या होगा? बढ़ेगा। कोई भी सॉल्यूशन कभी भी बना लो, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, तो रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंज भी बढ़ेगा। ओके, अब है साक्षी, बाकी सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, चलो आइडियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रब कर दूं? रब करते हैं। अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था वही आइडियल के लिए ग्राफ होगा। आपको पता है ना कंपोजिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला, कंपोजिशन और पार्शियल प्रेशर वाला। ये कंपोजिशन हुआ, यहां पे कितना है प्योर सॉल्वेंट, यहां पे प्योर बी ले लेती हूं, तो एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? वन, क्योंकि ये क्या है? प्योर बी है, जो पहले बताया था वही ग्राफ है। यहां पे क्या होगा? एक्स ए इज इक्वल टू वन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्योर ए है, ठीक है। यही तो किया था हमने, इसका प्रेशर यहाँ पे वेपर प्रेशर P नॉट B हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? P नॉट A, सही है ना? यही तो किया था, ठीक है। इसका देखो राउल्स लॉ, ये थोड़ा सा ऊपर लिख, मैं ऊपर लिख दूँ, ये नहीं छोटा सा स्ट्रेट लाइन, ये होगा P नॉट A, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा? इक्वेशन पी ए इज इक्वल टू, वही ग्राफ है ना, पी नॉट ए, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहां पे क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से, ये क्या होगा? टोटल पी टी इज इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट, मतलब पी ए प्लस पी बी लिख देती हूँ, आप बाकी कर लेना। ये ग्राफ किसके लिए है? आइडियल के लिए, जो स्टार्टिंग में निकाला था, किसके लिए रहेगा? आइडियल के लिए। यहां पे आप टोटल भी लिख सकते हो, pt इज इक्वल टू p नॉट यहां पे a मोल फ्रैक्शन ऑफ a, p नॉट ऑफ b मोल फ्रैक्शन ऑफ b, ये भी लिख सकते थे आप, ये भी लिख सकते हो।
चलो एग्जांपल देखे आइडियल सॉल्यूशन के, लिख लिया है जल्दी करो फिर एग्जांपल देखते. कंपोजिशन वर्सेस पार्शियल प्रेशर इसके लिए है आइडियल गैस के लिए. जब नॉन आइडियल देखेंगे तो वो ग्राफ ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा चेंज होगा. चलो एग्जांपल लिखो. पहला एग्जांपल है CH3OH प्लस C2H5OH. मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर आइडियल सॉल्यूशन. अगर सेम पोलार नेचर हुआ, अगर सेम पोलार नेचर हुआ या ऑलमोस्ट सेम साइज हुआ, या ऑलमोस्ट सेम साइज है उसका जो पोलैरिटी है, अगर पोलैरिटी सेम हो गई और उसका अगर साइज भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा तो वो कौन सा नेचर शो करेगा? आइडियल सॉल्यूशन. या कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? वो आइडियल. मतलब मिक्सचर ऑफ CH3OH एंड C2H5OH शोज आइडियल बिहेवियर. कौन सा दिखा रहा है? आइडियल बिहेवियर. सेकेंड C2H5Cl प्लस C2H5Br. एक है इथाइल क्लोराइड, दूसरा है ब्रोमाइड. देखो अल्काइल ग्रुप दोनों सेम है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इनका साइज में देखो तो ऑलमोस्ट सेम साइज होता है. हाँ, क्लोरीन के बाद आयोडीन अगर आता है यहाँ पे तो आयोडीन नहीं लेते क्योंकि आयोडीन का साइज बढ़ जाता है. तो यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट साइज सेम है, पोलैरिटी भी सेम है, तो ये भी कौन सा रहेगा? ये भी आपका रहेगा आइडियल सॉल्यूशन. ये भी कौन सा रहेगा? आइडियल सॉल्यूशन. थर्ड, अगर मैं ले लूं एन हेक्सेन, क्या लिया है? एन हेक्सेन. मैम बोलो. और मैम साइज इक्वल होना क्यों इंपॉर्टेंट है? साइज होना क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मुझे बता, अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा वहां पे? अगर फोर्स बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा था, आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम चाहिए. अगर साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ये होगा, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है या डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा. मतलब वो आइडियल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? नॉन आइडियल की तरफ डेविएट हो जाएगा. क्लियर है? यस मैम. ओके चलो, तो ये हो गया एन हेक्सेन, एन हेप्टेन ऑलमोस्ट सेम साइज है, ऑलमोस्ट सेम साइज. एन हेक्सेन के बाद ऐसा ना हो कि मीथेन ले लिया, मीथेन का मीथेन के बाद ब्यूटेन ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिव मतलब एन हेक्सेन एन हेप्टेन ये भी आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं. उसके बाद C2H4 Br2 होगा या C2H4Cl2 होगा, ये भी. हाँ, बस आयोडीन नहीं आना चाहिए. क्लोरीन और आयोडीन अगर आता है तो वो ये नेचर शो नहीं करेगा. देन उसके बाद है बेंजीन एंड टोलीन. बेंजीन क्या होता है? C6H6. ये बेंजीन हो गया और टोलीन का फॉर्मूला क्या है? C6H5CH3. तो ये हो जाएगा टोलिन. ये भी कौन सा नेचर शो करेगा? आइडियल शो करेगा. ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी है और ऑलमोस्ट सेम साइज रहेगा इसका. तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस आ गया तो वंडरवॉल फोर्स एग्जर्ट करेगा वहां पे. फिर उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आ जाएगी. अगर वो चेंज हुआ तो आइडियल नेचर भी चेंज होगा. अगर वो चेंज हुआ तो आइडियल नेचर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? ग्राफ क्लियर हुआ है? एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइडियल बिहेवियर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू राउड्स लॉ. या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो आइडियल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू राउड्स लॉ. तो वॉट एवर आपको पता होना चाहिए पोलार नेचर और साइज की वजह से यहाँ पे, तो वो समझ में आ जाएगा. अभी चलो नॉन आइडियल का थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते और उसके बाद डेविएशन हम नेक्स्ट टॉपिक में ही देखना पड़ेगा. नेक्स्ट डालो नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब डू नॉट फॉलो कौन सा लॉ? डू नॉट फॉलो
राउल्स लॉ, यस, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा क्या था? अच्छा साहिल, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स हार्ड जा रहे, अभी न्यूमेरिकल ज्यादा हुए ही कहां जहां पे हार्ड जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर जो जो नहीं आ रहे उसको मुझे मैसेज करना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पी ऑब्जर्व है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया हुआ है, वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी यहाँ पे एक्स बी। नॉन आइडियल है ना, जहां पे दोनों सेम था। ये क्या था, ये कैलकुलेटेड बाय, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। जहां पे दोनों सेम थे आइडियल में, वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब यहां पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे P इज इक्वल टू, या पी ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी नॉट ए यहाँ पे x है, या पी बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी नॉट बी यहाँ पे एक्स बी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, जो फॉलो कर रहा था अभी नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा वी मिक्सचर है वो कितना आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। उसके बाद जो थर्ड है, डेल्टा एच मिक्सचर है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगी। फोर्थ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जितना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा, इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट तो सेम रहेगा, डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और डेल्टा जी मिक्सचर क्या होगा, लेस देन जीरो। मतलब बिल्कुल उल्टा, जो आइडियल था उसके अपोजिट क्या रहेगा, नॉन आइडियल, उसके अपोजिट क्या रहेगा, नॉन आइडियल। क्लियर है यहां तक? हम लास्ट वाले पॉइंट तो दोनों में सेम ही है। हाँ, तो मैंने कहा ना ऑलवेज, मैंने पहले ही कहा था ऑलवेज, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है रैंडमनेस बढ़ती है, सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, और जो गिब्स एनर्जी होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर दूं तो भाई सॉल्यूशन ही बनेगा, कोई अलग कुछ नहीं बनने वाला है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हो, तो ये ऑलवेज रहेगा, आइडियल के लिए रहेगा और नॉन आइडियल के लिए भी रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया दोनों के लिए सेम पॉइंट। तो इसके आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि टॉपिक फिर ज्यादा खींच जाएगा हमारा। तो हमें दिखना है पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, देखना है कल देखेंगे आप। ओके, तो चलो इतना नोट कर लो, पहले कर लिया सबने नोट, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय 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 साहिल, अगर कोई डाउट है ना तो बता देना। वैसे न्यूमेरिकल इजी है, दो तीन फॉर्मूले याद रख बस, उससे हो जाएगा। जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसी को ट्राई कर तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरे न्यूमेरिकल्स को हाथ लगा। ओके, यस, ओके, बाय।
पर इधर क्यों दिया है, मेरे हाथ में देना। बेवकूफ है यार ये, इतना घमंड में इतना चूर क्यों रहता है। अच्छा घमंड जो है चूर हो गया।